हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एमएस एक्सेस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां टाइप करते हैं एमएस एक्सेस, एंटर प्रेस करते ही एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। एक ब्लैंक डेटाबेस आप चूज कीजिएगा और चूज करने के बाद यहाँ नाम आप दे दीजिएगा कोई, जैसे मैं TEACHER टीचर नाम देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, ये डेटाबेस खुलकर आ जाता है सामने। व्यू पे क्लिक करिए, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करिए, ये टेबल वन का नाम चेंज कर दीजिए, HHH HHH दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर ऑटो नंबर ही रहने देते हैं डेटा टाइप, और यहाँ पर डाल देते हैं रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। ओके, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये फील्ड नेम है, ठीक है, और ये डेटा टाइप है। दोनों में अंतर है, फील्ड नेम क्या होता है, जो आप हेडिंग डालते हो वो फील्ड नेम कहलाता है, और जो जिस चीज़ के लिए हेडिंग डालते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नाम लिखना है तो नाम एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, ठीक है। और बात करें अगर किसी नंबर की, तो नंबर एक नंबर ही डेटा टाइप होता है, या तो ऑटो नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। OLE ऑब्जेक्ट एक होता है, तो वो पिक्चर के लिए यूज होता है, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू करा सकते हैं। तो चलिए रोल नंबर के बाद अब आते हैं हम नेम ऑफ स्टूडेंट। ये दे दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा क्योंकि टेक्स्ट लिखेंगे इसमें हम। और अब हम वो सारे सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस, ये दे दिया हमने, और ये जो है नंबर डेटा टाइप करेंगे हम इसको। हालांकि टेक्स्ट में भी नंबर डेटा टाइप आप रख सकते हैं, लेकिन परेशानी आपको हो जाएगी, इसलिए सिर्फ नंबर ही डेटा टाइप लगाइए, नंबर के लिए टेक्स्ट ना लगाइए। अब कंप्यूटर साइंस के बाद इंग्लिश ENGLISH, तो ये भी एक नंबर डेटा टाइप होगा, यहाँ से नंबर कर देते हैं हम। नंबर के बाद जो अगला हमारा है वो है बायोलॉजी, BIOLOGY, तो बायोलॉजी भी एक नंबर डेटा टाइप ही होगा, यहाँ पे दे देते हैं। और केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री, और यही एक नंबर डेटा टाइप ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स, और ये भी एक नंबर डेटा टाइप होगा। और इसके बाद लास्ट में हम करेंगे ऑप्टेंड, OBTAIN ED, ऑप्टेंड मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, और ये भी नंबर डेटा टाइप होगा। यहाँ पर अब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, मैं दोनों आपको निकाल के दिखा देता हूँ। परसेंटेज कर दिया हमने, ये भी नंबर डेटा टाइप होगा, और लास्ट में करेंगे एवरेज। ये दोनों सेम ही आते हैं, निकालने का तरीका भले ही अलग हो, ठीक है। तो अब ये हमको जाना है व्यू पर, और अब आ जाना है डिज़ाइन व्यू पे, तो हम ही हैं, डेटा शीट व्यू पे आ जाइए आप, सेव कर लीजिए इसको। अब ये देखिए ऐसा इंटरफेस कुछ आपके सामने आ जाएगा, इसको चौड़ा कर लीजिए कॉलम को, और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं इसे, और बोल्ड के बाद इसे साइज़ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमने दिया है ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर अपने आप नंबर देगा, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेम लिखना है स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राहुल, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है, तो कंप्यूटर साइंस में जो भी मार्क्स ये पाते हैं वो मार्क्स हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 आउट ऑफ ये 85 पाते हैं, तो 85 हमने दे दिया। यहाँ पर पाते हैं 78, ये दे दिया। बायोलॉजी में पाते हैं 67, तो ये दे दिया। फिर केमिस्ट्री में 65, ठीक है, फिजिक्स में 56। तो यहाँ ऑप्टेंड मार्क्स अब हमें निकालना होगा, तो चलिए ऑप्टेंड मार्क्स जान लेते हैं कैसे निकलेगा, पहले भी दिखा चुका हूँ, हालांकि ये वीडियो जो है आपका परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, लेकिन चलिए देखते हैं, सब तो निकालना ही पड़ेगा हमें। केमिस्ट्री तक हमने इंसर्ट करा लिया, अब फिजिक्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। तो ये सब हमने इंसर्ट करा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर
ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज और एवरेज। अब इस पर हमें काम करना है। ऑप्टेन मार्क्स के लिए पहले कोलन लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और शुरुआत कीजिए कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस SCIENCE, ये बंद किया हमने, प्लस किया और फिर यहाँ पर करिए इंग्लिश ENGLISH, बंद करिए, प्लस करिए। इंग्लिश के बाद आएगा बायोलॉजी BIOLOGY, बंद कीजिए। केमिस्ट्री CHEMISTRY और एट लास्ट प्लस करके कर दीजिए फिजिक्स PHYSICS। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो जो ऑप्टेंड मार्क्स है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्टेंड मार्क्स OBTTAINED, ऑप्टेंड मार्क्स MARKS। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। और कुल मिला के सब्जेक्ट हमारे पास 5 हैं, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद एवरेज निकालना है। तो ऑप्टेंड मार्क्स यहाँ लिखता हूँ OBTAINED, ऑप्टेंड मार्क्स MARKS, ऑप्टेंड मार्क्स किया हमने अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो ऑप्टेन मार्क्स अपॉन 5 कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो जाएगा कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या होती है। तो कुल पदों का योग हमने यहाँ पे निकाल लिया है और संख्या है सब्जेक्ट की 5, तो ये 5 बस रन करवा दीजिए, हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे राहुल का मार्क्स देते हैं 60 मान लीजिए दिया हमने, और यहाँ पे 65 दे दिया। जो भी चाहें आप मार्क्स देते हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करके दे देगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम एक बार चल के देख लेते हैं कि ये क्या है जो एक्स्ट्रा में यहाँ दिखा रहा है। इसको पहले इंसर्ट कराते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स इसमें तो कुछ नहीं दिखा रहा है, चलिए एक बार फिर से इसको ओके करते हैं। यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9। ये सारे सब्जेक्ट्स हमने जो एवरेज वगैरह है सब कुछ इंसर्ट करा लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, पहला कंप्यूटर SCIENCE, कंप्यूटर साइंस कर दिया, प्लस करिए। कंप्यूटर साइंस के बाद आएगा इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश के बाद अब करिए क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी BIOLOGY, बायोलॉजी के बाद अब करिए केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद करना है फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स। ये हो गया हमारा, देखते हैं कितने सब्जेक्ट हुए, 1, 2, 3, 4 और ये कंप्यूटर साइंस 5, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। परसेंटेज निकालने की बारी, तो ऑप्टेंड को पकड़िए OBTAINED, ऑप्टेंड मार्क्स MARKS। ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स इनटू 100। अब चूंकि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर का टोटल है, ये 5 सब्जेक्ट का, तो 500 से डिवाइड कर दीजिए। एक सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहाँ एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्टेंड पकड़िए OBTAINED, ऑप्टेंड MARKS, ऑप्टेंड मार्क्स। ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स अपॉन कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग हम पहले ही निकाल चुके हैं ऑप्टेंड मार्क्स में, और कुल पदों की संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका काम हो गया, रन करवा दीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में सुविधा हो, ये पूरा पूरा टाइटल दिखाई पड़े हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में आपने दे दिया 77, ठीक है, और इंग्लिश में दे दिया 55, और यहाँ दे दिया 66, और यहाँ दे दिया 45।
अब यहाँ पे ऑप्टेंड और एवरेज और परसेंटेज, ये तीनों अपने आप। अब देखिए ये जो परसेंटेज है और एवरेज है ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है निकालने का। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक प्रकार से ये दिखाई दे। देखिए ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार से निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, जैसे मान लीजिए अगले विद्यार्थी का नाम, जैसे मान लीजिए मैं कोई स्टूडेंट है जूही, ये मैंने लिख लिया नाम, और यहाँ पे 43 कर लिया, यहाँ पे कर लिया 67, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 56, 55, 58। अब यहाँ पे देखिए ये अपने आप नंबर देता जाएगा, अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। ये फ़ायदा है आपका एमएस एक्सेस को यूज़ करने का। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगर इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं आप, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ से सेटिंग कर लेंगे, पोर्ट्रेट को लैंडस्केप बनाइए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। देखिए इसको एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर हम, जैसे हम क्या एक्सेल में क्या करते थे कि एक को सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करना पड़ता था, जिसको जिस पे अप्लाई करना होता था इफेक्ट, उसको सबको सेलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि किसी एक पर आप रख लीजिए, और जैसे इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दिए तो सब इटैलिक हो जाएगा, ये फ़ायदा है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।